आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। हालात हाजरा का आज का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में मरकजी सरकार की तरफ से स्नो स्कीम को फ़रोग देने के लिए उठाए जा रहे इकदाम के बारे में बात करेंगे। इस सिलसिले में आज अपने खसूसी पैनल को यहाँ दावत दी है। मेरे सामने बैठे हैं कर्नल जे एस डिलन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ISSM से इनका ताल्लुक़ है और स्कीम को फ़रोग देने के लिए बहुत से इकदाम उठा भी रहे हैं और आगे चलकर उठाएंगे भी। और इसके अलावा हमारे स्टूडियोज़ में हैं सिक्योर सबिया नबी, इनका भी आप खुश आमदीद प्रोग्राम में। जनरल साहब, सबसे पहले क्योंकि काफ़ी देर से इंतजार था बर्फबारी का, माशाल्लाह बर्फबारी तो हुई लेकिन श्रीनगर में नहीं हुई, लेकिन गुलमर्ग और दूसरी जगह ताज़ा तरीन सूरत अलबत्त, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे स्पोर्ट से है, हमारी स्कीम से है। हम सब बड़ी खुशी की बात है कि कल जो कल पूरा दिन और शाम तक जो स्नोफॉल हुआ, तकरीबन 1.5 फीट स्नोफॉल हुआ, तो उससे जो स्की स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके चेहरे में काफ़ी खुशी की लहर है, क्योंकि इस साल जो है अर्ली स्नोफॉल हुआ था, और जब भी अर्ली स्नोफॉल होता है जनरली फिर स्नोफॉल जहाँ तो बहुत कम होता है जहाँ लेट होता है उसके बाद जो जिसके ऊपर हम स्की कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये पता नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर है कि जहाँ यूक्रेन रशिया की वार का असर है, पूरे यूरोप में और पूरे इंडियन हिमालया में इस बार स्नो का लेवल बहुत कम है। हम जो है स्की जो लवर हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे शायद अच्छी स्नोफॉल होगी, जिसकी वजह से हम स्की को प्रोफेशनल जो एथलीट्स हैं इसको अच्छी तरह परस्यू कर सकेंगे और हम सारे जो स्टेट और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं उनको कंडक्ट कर सकें। बहरहाल आपसे पूछेंगे कि मुझे बताइए, जो आप इंटरनेशनल स्कीयर भी रह चुकी हैं, तो मुख्तसर जो सफ़र आपका रहा है, कहाँ से, सारी बात है कि गुलमर्ग में रहे कोई तो स्कीइंग से अपना नाता न जोड़े, तो उसके बारे में बता दीजिए सफ़र आपका कैसे रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक पहुँचे और फिर इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पहुँच गए। जी, जैसे आपने बोला कि हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहता है कि क्योंकि हम बहुत नज़दीक रहते हैं गुलमर्ग के, तो मैं 12 साल की थी जब मैंने पहली बार ये सफ़र स्टार्ट किया थ्रू यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। मैंने 12 साल की एज में पहला कोर्स खेला है, बेसिक कोर्स मैंने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, एंड मैं उस कोर्स में सबसे छोटी बच्ची थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज रखा उन्होंने उस कोर्स में, एंड उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट और एडवांस किया जिसमें मेरी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही, लाइक गोल्ड मेडल इन इंटरमीडिएट एंड डबल गोल्ड मेडल इन एडवांस कोर्स, एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे इवेंट्स खेले, रीजनल, स्टेट वगैरह और नेशनल भी। तो जो इवेंट्स मैंने स्टेट में खेले उनमें मेरी बहुत अच्छी पोजिशन रही, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एंड 2012 में फाइनली मैंने पहला जूनियर नेशनल खेला जो गुलमर्ग में हुआ था, तो उसमें भी मेरा डबल गोल्ड रहा, फर्स्ट इन सलालम एंड फर्स्ट इन जॉइंट सलालम। तो उस वजह से क्या हुआ कि उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, ऑलमोस्ट मैंने 7-8 नेशनल्स खेले हैं जिसमें ओली में भी मेरी थर्ड पोजिशन रही है नेशनल में। तो उसके अलावा 2020 में फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था यहाँ पर, जिसमें मेरा डबल गोल्ड मेडल रहा है। एंड फाइनली 2018 में मैंने क्या किया कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक गई और मैंने इंटरनेशनल खेला 2018 में, ईरान में मैंने खेला था। जी बिल्कुल, जनरल साहब, चूंकि बर्फबारी लेट हुई, जाहिर बात है कि इसका असर भी पड़ गया होगा, जो हम आपको जो रिशेड्यूलिंग करनी पड़ी होगी जो मुख्तलिफ आप प्रोग्राम्स करते हैं गुलमर्ग में, तो इस बारे में रीऑर्गेनाइज करना पड़ा होगा आपकी थिंग्स को। हाँ जी, हामिद साहब, जो एनवायरनमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि गिने चुने स्की रिजॉर्ट हैं हिंदुस्तान में, कश्मीर में आपको मालूम है कि गुलमर्ग है, पहलगाम है, और बड़ी खुशी की बात है कि इस साल से हम सोनामर्ग भी खोल रहे हैं। तो ये जो इनके ऊपर जो उम्मीद है पूरे हिंदुस्तान की टिकी होती है कि कब स्नो होगा और कब जाके हम स्कीइंग सीखेंगे और एडवेंचर स्पोर्ट्स को परस्यू करेंगे,
तो पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद होती है। तो जब स्नो नहीं थी तो हम भी चिंतित थे कि कैसे। फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा, तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर वन सीमेंट। पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद होती है। तो जब स्नो नहीं थी तो हम भी चिंतित थे कि कैसे ट्रेनिंग, जो मैं हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट है गुलमर्ग में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग, इसमें हम सिक्स कोर्सेज करते हैं, 6 कोर्स पूरे विंटर में करते हैं, जो क्रिसमस से शुरू करते हैं और मिड मार्च तक चलते हैं जी। तो हर कोर्स जो है इतना पॉपुलर है कि हम जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो 7 मिनट में सारे 6 कोर्स बुक हो जाते हैं। तो जब वो बच्चों को पता चला कि स्नो नहीं है, जब बुकिंग हो गई तो उम्मीद फिर वो डिसअपॉइंटमेंट होती है। बट फॉर्चुनेटली हमारा जो स्लोप है आईएसएम का, उसके ऊपर हम स्नो थोड़ी इकट्ठी करके बीट करके तो एटलीस्ट बेसिक्स की सिखाने के काबिल कर देते हैं उसको। तो जिसकी वजह से हमारा जो है फर्स्ट कोर्स बड़ा सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है इस बार। तो अभी सेकंड कोर्स चल रहा है जिसमें तकरीबन 70-75 के करीब बच्चे हैं, सारे हिंदुस्तान से और कश्मीर के बच्चे मिलकर स्कीइंग सीख रहे हैं। पैन इंडिया प्रेजेंटेशन जो होती है, प्रेजेंटर प्रेजेंस जो होती है, तो वो अच्छी बात है। इसमें कोई दोहरा नहीं कि मुल्क के कोने कोने तक स्कीइंग पहुंच जाए और बच्चे जो है इसमें आगे आ जाए। लेकिन पहाड़ हमारे, बर्फ हमारी, और उस पर अगर हमारे जो लोकल स्कीयर्स को मौका नहीं मिले तो मेरे ख्याल में ज्यादा होगी। तो जब आप ये एडवर्टीजमेंट वगैरह निकालते हैं उस वक्त एक क्वेश्चन रखा जाता है कि लोकल्स को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन है ऑनलाइन है तो फिर बटन दबाते ही आपकी कोर्स सारे बुक हो जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल हामिद साहब ने बहुत वाजिब जो है पॉइंट है वो उठाया है, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो जो माउंटेन में जो बच्चे हैं उनको जो हम ट्रेन करेंगे तो वो अच्छे स्कीयर ही नहीं बनेंगे बल्कि उनके लिए रोजगार भी पैदा होगा। वो कल को गाइड बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, टूरिस्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं। बाहर के जो बच्चे हैं उनका मकसद ये नहीं होता, उनका मकसद एडवेंचर का होता है। वो आते हैं बट दे आर नॉट डेडिकेटिंग देयर करियर फॉर द एडवेंचर जी। तो इसलिए लोकल बच्चों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता जी। है और ये मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं पिछले 14 साल से ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, और मैं जो है ऑनलाइन के साथ साथ सफिशियंट नंबर ऑफ सीट जो है लोकल बच्चों के लिए रखता हूँ, ताकि उनको प्रेफरेंस मिले और वो आके पार्टिसिपेट करें। और दूसरी बात इसमें है कि फार फ्लंग एरिया में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती गई। बच्चे जो हैं बाहर के, जो बम्बे में था, दिल्ली में बैठे में, वो तो एक मिनट में बटन दबा के बुकिंग कर देता है। जो कुपवाड़ा में, लोलाब में बच्चा बैठा है, कनेक्टिविटी उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए मैं बड़ा मंत्रालय का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को कुछ लिबर्टी दे रखी है कि मैं अपने लेवल पे ये लोकल बच्चे जो है एडजस्ट कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकता हूँ जी। हाँ, तो ये बहुत बड़ी लोकल बच्चों के लिए बहुत जरूरी भी है, और हम नहीं ये ऐसा होने देते कि कोई इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिस्टम की वजह से उनको एक स्पोर्ट से दूर रखा जाए जी। हाँ जी सर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो अपनी लेवल पे, आपने अपनी लेवल पे जो देखा कि कहाँ कहाँ पे लग रही है आपकी कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कमियाँ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जो होना चाहिए स्कीयर्स के लिए?
जी, अगर हम बिगनर्स की बात करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है गुलमर्ग में, नेशनल लेवल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। बट अगर हम इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत लैग कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं ईरान जा चुकी हूँ, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल अगर हम गुलमर्ग के इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के साथ कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो नहीं है कोई कंपेरिजन नहीं है उनका और इनका। तभी तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में ओली वाला स्लोप है वो इंटरनेशनल अप्रूव्ड है, वहाँ पर फिश रेसेस हो सकती हैं। तो गुलमर्ग में इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी क्यों नहीं हो सकती हैं फिश रेस, वो क्यों नहीं है फिश अप्रूव्ड? रीज़न यही है कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर फैसिलिटीज दी जाएंगी तो इस स्पोर्ट में बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं, लेकिन द बेसिक रीज़न इज कि इस विंटर स्पोर्ट्स में ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो यही है कि वो बेसिक जो फैसिलिटीज है वो लैक कर रहे हैं। तभी होमोलोगेशन की बात आ गई, पिछली बार भी हमने कोशिश की थी इस पर ड्यूल करें कि आगे होता अगर प्रॉब्लम है, अभी तक हमें पता नहीं चला कि ये फाइल जो है वहाँ का पड़ी, लेकिन आपसे जब मैं इन्फॉर्मली बात कर रहा था तो फिर पता चला कि ऑथर जो है इस होमोलोगेशन के वो आप है, उस बारे में थोड़ा बता दिए ताकि नाजरीन को भी पता चले कि आखिर अगर अटक गया है मसला तो कहाँ अटक गया। हमें साहब जैसे साबिया ने बताया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये वो कंपेयर कर रही है ईरान से, तो कितना उनको बेचारी को कंसर्न है कि मैं हम क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल की इवेंट इधर कर सकते। गुलमर्ग इज वन ऑफ द बेस्ट स्की रिजॉर्ट इन द वर्ल्ड, बट इसको हमने अभी तक इंटरनेशनल स्की फेडरेशन के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि इंटरनेशनल स्की फेडरेशन की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे आपने बताया होमोलोगेशन, जितना देर स्लोप्स को होमोलोगेज नहीं करेंगे हम, स्नो गन्स नहीं लगाएंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे चेयर लिफ्ट और गंडोला का, उतना देर इंटरनेशनल स्की फेडरेशन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो मैं जब विंटर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था तो मैंने टेक्निकल टीम इंटरनेशनल बुलाई थी जी, उससे पूरा सर्वे कराया था जी। तो सर्वे करा के मैंने रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी थी और लोकल टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी दी थी, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसके ऊपर काम हुआ नहीं। जब हम इंटरनेशनल स्की फेडरेशन के साथ इसको रजिस्टर कर देते हैं जी, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा उसे, उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, उसके ऊपर थोड़ा फंड्स भी लगेंगे, बट वो जब हो जाता है तो सभी बच्चों की एस्पायरेशन जो है वो पूरी हो जाएंगी जी। आज के दिन में जो बच्चे ने क्वालिफाइंग रेस करनी है जी, तो उसको यूरोप हासिल करने के लिए नेचुरली रेसेस में पार्टिसिपेट करना है, तो उसको जाना पड़ेगा बाहर यूरोप में जाना पड़ता है, जहाँ के हमारे मुल्क में सिर्फ ओली ही रिकॉग्नाइज है, बट अनफॉर्चुनेटली ओली में स्नो ही नहीं होती जी। तो अभी जो है इसको बेचारी को जो क्वालिफाई करना है इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, तो फिश रेस के लिए जहाँ तो यूरोप जाना पड़ेगा, जहाँ ईरान जाना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेट। और अभी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेसर जो एक्सपेंसिव है वो दुबई है जी। तो जब बच्चे को घर में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आप कैसे उम्मीद रखते हो कि वो बच्चा आपका अच्छा एक एथलीट बनेगा? ओली ने लेट स्टार्ट किया लेकिन कर दिया उसको, लेकिन हमारे पास इतने साल मतलब 40-50 साल से यहाँ सस्टिंग का सिलसिला चल रहा है, इसकी तरफ शायद तवज्जा नहीं दी गई, वरना कितना नुकसान हो रहा है स्केयर्स का, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल अथॉरिटीज की नज़र में नहीं आया अभी तक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको इन दिस केस मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स काउंसिल ही है, मेरे ख्याल में अथॉरिटी उन्हीं के थ्रू सारा होता है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, टूरिज्म, क्योंकि स्कीइंग जो है ना ये सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं है, ये ओलंपिक इवेंट भी है, एडवेंचर भी है और एक टूरिज्म को भी प्रमोट करता है, तो दोनों मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों की कोऑर्डिनेशन से ये एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो सकती है गुलमर्ग में और सोनामर्ग दोनों में जी। सोनामर्ग में भी पोटेंशियल गुलमर्ग जितना ही है, बट पहले सोनामर्ग जो है वो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, आज के दिन में टनल बन गई है सोनामर्ग की, और सोनामर्ग जो है आई थिंक इज मोर सूटेबल फॉर द इंटरनेशनल रेसेस, वो टेबल टॉप का एरिया जो भी है, नचनई बार को जो रास्ता जाता है वो अवलांच फ्री भी है, और उनके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट
डेस्टिनेशन की डेस्टिनेशन द वर्ल्ड। सर जब तीन कोर्सेज की आपने बात की, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, उसके बाद आपने समझती है कि एक वैक्यूम सा है बीच में कि जहां पर स्केयर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एडवांस कोचिंग मिलनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है यहाँ, क्योंकि उसमें कोई, चाहे विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ J&K है, किसका रोल आप समझते हैं कि बनता है कि गैप जो वो भरनी चाहिए बीच में, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे आप अच्छा कम्पीट कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पर अब अगर मैं अपनी बात करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक ओनली गर्ल हूँ जिन्होंने कंटिन्यू किया, अभी भी कंटिन्यू इस स्पोर्ट में है, वो इसलिए क्योंकि मुझे फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्ट मिलता है बहुत ज़्यादा, उस वजह से मैं इस गेम को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। अगर मेरी जगह और कोई लड़की होती, इनफैक्ट जो लड़कियाँ थी उन्होंने इस सपोर्ट को गिव अप कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव सपोर्ट है। तो आप क्या करते हैं कि या तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए घर वालों की तरफ से, तब जाके आप इस स्पोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं, या अगर आपको घर वालों की तरफ से भी नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते इस स्पोर्ट में। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करेंगे तो उनकी तरफ से हमें जीरो सपोर्ट मिलता है। मैं अपने नेशनल की बात करूंगी, लास्ट ईयर में ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं लास्ट ईयर की बात करूंगी, हम ओली गए, हमारा नेशनल था, जूनियर सीनियर नेशनल था, वहाँ पर हमें बेसिक जो फैसिलिटी है वो तक प्रोवाइड नहीं की गई। इनफैक्ट हमारी जो ट्रैवलिंग का था वो खुद दिया हमने, इवन जो हमें यूनिफॉर्म देते हैं, मतलब मैं आपको बोलूँगी वो किसी लायक नहीं होती है, मतलब वो चीज़ एक। दूसरा ये कि हम अगर ट्रेनिंग की बात करेंगे, नेशनल टीम को प्रॉपरली ट्रेन किया जाना चाहिए बिफोर एनी नेशनल कंपटीशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम ओली पहुंचे, हम कंपटीशन एक दिन पहले पहुंचे, हमने स्लो बिल्कुल देखा तक नहीं था, और सेकेंड डे हमें सीधा बोला कि आपकी जी रेस है, आपको रेस में उतरना है। मतलब फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको नेशनल में मेडल आ सकता है? खासकर सीनियर्स का तो बिल्कुल मेडल ही नहीं आता है, क्योंकि हम बेसिक जो फैसिलिटीज है, बेसिक ट्रेनिंग है, वो हम लैक कर रहे हैं, हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सॉरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स है, लेकिन दूसरी बात मुझे शायद ये लग रही है क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल के रोल का जहां तक ताल्लुक है, दूसरे स्पोर्ट्स में जहां तक मैं देख रहा हूं, हाल ही में फुटबॉल का जो हुई संतोष ट्रॉफी, उसमें 10-15 दिनों के अंदर अंदर टीम भी फॉर्मेट हो गई, टीम बन गई, टीम गई, वर्दी अच्छी खासी, अच्छा मुकाबला किया शॉर्ट नोट्स में। क्या लग रहा है आपको कि आपका काज जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई शायद विंटर गेम्स एसोसिएशन थोड़ी बहुत ढीली पड़ गई है? बहुत ज़्यादा ढीली पड़ गई है, कम ही नहीं, बहुत ज़्यादा। अगर हम नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, जब हम बेसिक, मतलब नेशनल में मेडल नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ लैक हो रही हैं, तो मतलब कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि विंटर स्पोर्ट्स में मेडल आ सकता है? मेडल तो दूर की बात है कि इंटरनेशनल लेवल में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है तो हम कैसे ये सब कर सकते हैं? अगर हम दूसरी जानब ये देखेंगे, दूसरे स्पोर्ट्स की बात करेंगे, आप अभी बोल रहे थे फुटबॉल में इतनी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करते हैं, और खासकर मैंने क्रिकेट का देखा है, फीमेल क्रिकेट टीम जो है J&K की, उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। बाकी हम मार्शल आर्ट्स की बात करेंगे, उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब विंटर स्पोर्ट्स को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? ये क्योंकि गुलमर्ग का जहां तक ताल्लुक है, बहुत दबाव है इस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कोचिंग वाइज, ट्रेनिंग वाइज, तो क्या आप नहीं समझते कि जैसी की पहल हो चुकी है कि दूसरे जो हमारी डेस्टिनेशंस है उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है? तो मेरे ख्याल में हर चीज़ अगर अवेलेबल है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्यों नहीं हम बड़ा दायरा इसका बढ़ा सकते हैं? हमें सब देखो, जैसे साबिया ने बोला कि जो स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो प्रॉबली अभी तक जो अथॉरिटी जो कंसर्न्ड हैं उनको शायद फेथ नहीं है हमारे बच्चों के ऊपर कि ये अच्छे एथलीट बन सकते हैं, शायद आई थिंक इसीलिए शायद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया जा रहा। बट मेरे को 14 साल हो गए ये इंस्टीट्यूट कमांड करते हुए, मैं ये कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना टैलेंट हमारे यूथ में विंटर स्पोर्ट्स में है इतना मैं और कहीं नहीं देखा। बट ज़रूरत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की है और बच्चों को ट्रेन करने की, तो बच्चों के ऊपर ट्रेनिंग जैसा अच्छी कोचिंग नहीं होगी जितना देर, अच्छा इक्विपमेंट नहीं जितना देर होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो फिर उनसे उम्मीद रखना मेडल की वो तो ठीक मतलब वाजिब नहीं है।
सर, यह ट्रेनिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, जाहिर बात है कि बुनियादी जरूरत हो जाती है जब तक आपको अपडेट ट्रेनिंग ना मिले और मुतबाद ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ जब तीन कोर्सेज हम करते हैं तो इसके बाद एक नेचुरल बात एक खुलासा पैदा हो जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसे खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स जो चाहे यूथ एसोसिएशन स्पोर्ट्स करती है, स्पोर्ट्स काउंसिल करती है या बाकी स्कूल्स वगैरह करते हैं, इनका एक पूल बनना चाहिए खिलाड़ियों का ताकि उनको फिर एक ऑर्गेनाइज तरीके से चाहे मिनर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जे एंड के है या स्पोर्ट्स काउंसिल है या कोई भी अदारा सामने आएगा तो उस तबके को वो कैटर करे। वही मैं आपको बोल रही हूँ, ये किन का काम है? ये हमारी एसोसिएशन का काम है ताकि मतलब वो एक प्रॉपरली एक टीम को बनाए, एक डेवलप करे, एक पूरी एक टीम को जिनको वो आगे तक ले जाएंगे, जिनको वो प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर जो आगे के इवेंट्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसी टीम को भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जी एडवांस करके आ गया तो उसको भी नेशनल के लिए भेज दो। ठीक है, एडवांस के लिए आ गया, आप उनको पहले डिस्ट्रिक्ट में देखो उनकी परफॉर्मेंस, अगर उनमें उसमें अच्छी परफॉर्मेंस है फिर स्टेट लेवल तक उनको ले जाओ। स्टेट लेवल में जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी उन बच्चों को चूज करके नेशनल टीम एक बनाओ। ये हमारी एसोसिएशन का काम है, स्पोर्ट्स काउंसिल का काम है, ये हमारा काम नहीं है। सो यहाँ क्या होता है, हमारी एसोसिएशन क्या करती है, जो भी बच्चे एडवांस लेवल के स्केयर्स होते हैं उनको ले चलते हैं नेशनल खेलने। वहां पर ना हमें फिर जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनको ना अच्छी फैसिलिटी मिलती है, ना उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। जो एडवांस लेवल स्केयर का हाल है वही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल स्केयर का हाल है। दिल साहब, ओलंपिक्स अल्टीमेट हमारा गोल होता है हर एक चीज का। आपको मालूम है कि गुल मुस्तफा देव हमारे पहले ओलंपियन रह चुके हैं और उसके बाद एक कंप्लीट बड़ा सा खला पैदा हो गया और बाद में अब आरिफ ने आया, पिछली बार उन्होंने क्वालिफाई किया। तो इस सिलसिले में चूंकि आपने ही बोला कि काफ़ी खर्चा लगता है इसमें, काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है इनको, अभी भी जो आरिफ हमारे हैं वो बाहर चले गए हैं ट्रेनिंग्स वगैरह करने के लिए, तो हर एक आरिफ नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने प्राइवेट सोर्सेज से जो भी चाहे वो करते हैं, मदद चाहे उनका बाप करता है या कोई और करता है, तो प्राइवेट सेक्टर का क्या आप नहीं समझते हैं कि रोल है? जिस तरह आजकल ट्रेंड एक बन गई, हुकूमतों एक रास्ता आपको दिखाती है आगे चलने का, लेकिन आगे चलना है तो फिर खुद ही है। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि बिग हाउसेज जो यहाँ पर है या एलीट तबका जो है साहिब सरबत अशखास है उनको आगे जाना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए स्केयर्स को जो अच्छे पाँच छः हैं उन पर फिर अपना वो सारा इन्वेस्ट कर सके? हामिद साहब, दो तीन चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। एक तो देखो, इंटरनेशनल स्कीयर जो है हमारे पास कोई कमी नहीं, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। हमारे बहुत बच्चे ओलंपियन बन सकते हैं, जैसे आपने गुल मुस्ता और अर्फ की बात की, इन्होंने अपने घर से बहुत पैसा खर्च किया क्योंकि क्वालिफाइंग रेसेस में खुद जाके अपना पैसा खर्च करके क्वालिफाई किया। वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हम इंडिया में कर दें तो बच्चों का पैसा नहीं खर्च बचाओ, बिल्कुल पैसा बचे और ये बच्चे जो हैं ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं इन ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग कर सकते हैं और आसानी से बिना ज्यादा पैसा खर्च किए हुए क्वालिफाई कर सकते हैं। और जहां तक मेडल लाने की बात है इंटरनेशनल इवेंट्स में, उसमें फिर आपको आपको मालूम है कि एक एथलीट के ऊपर बहुत खर्चा होता है, उसका सिर्फ परफॉर्मेंस ऐसे प्रैक्टिस करने से नहीं बढ़ जाता, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोचिंग देना पड़ता है, उसके ऊपर फिर मेडिकल तवज्जो, उसकी बॉडी की कंपोजिशन, उसका फिजियोथेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट उसको गाइड करने वाला, उसका कोच जो है एक टीम होती है उसके पीछे, उसका डाइट कैसा होना चाहिए और किस एज में हमने बच्चे को पिकअप करना है, क्योंकि हम तो हमारे बच्चे ही तकरीबन 20-21 साल के जाके स्की करते हैं तो 20-21 साल का तो वो रिटायर हो जाता है। तो इसमें प्लानिंग की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ये चीजों के ऊपर जब हम मिलके कुछ तवज्जो देंगे तो टैलेंट की कोई कमी नहीं हमारे पास, बहुत ओलंपियन हम पैदा कर सकते हैं। सभी अब इक्विपमेंट मेन रोल अदा करता है सीकिंग में, अगर हमें आगे बढ़ना है। पिछली बार मुझे मालूम है हमने अब दोहराना नहीं चाहेंगे, पिछली बार जो सिक्कीज वगैरह का जो वादा किया गया था आपको कि आपके पास देंगे वो नहीं दिया, खैर किसी को और के काम आएगा। तो इक्विपमेंट का आप नहीं समझते हैं कि बहुत उस तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए कि इक्विपमेंट को अपग्रेड करना चाहिए साथ साथ?
मैंने ये पहले ही मेंशन किया कि ये स्पोर्ट जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगी कि मैं 2018 तक, मतलब जब तक मैंने इंटरनेशनल खेला तब तक मैं स्कीज रेंट करती थी, और रेंट करने के लिए अगर आप गवर्नमेंट स्की शॉप देखेंगे तो 200 आपको देना पड़ता है रेंट करने के लिए। प्राइवेट स्की शॉप्स में 650 आपको रेंट करना पड़ता है एक दिन के लिए स्कीज। तो मैंने क्या किया कि घर वालों ने कुछ करके इधर उधर करके मेरे लिए एक इक्विपमेंट, एक सेट खरीदा 1.5 लाख का। मतलब अगर मैं अपनी बात करूंगी तो घर वालों का सपोर्ट था, उन्होंने मेरे लिए वो गिफ्ट किया मुझे 1.5 लाख का इक्विपमेंट। तो अगर कोई और लड़की होगी, मतलब उस बैकग्राउंड से होगी जहां उनके घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे इस सपोर्ट में आ सकती हैं। मैं अपनी बात करूंगी, मैंने एक ही इक्विपमेंट का सेट लाया है, वो स्लालम का। हमारे दो इवेंट्स होते हैं, स्लालम एंड जाइंट स्लालम। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे दूसरा वाला सेट लाना है। मतलब हमारे अगर हम बात करेंगे, हमारे जो हमारी जो एसोसिएशन है उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, लेकिन वो हमें तब देते हैं जब हमें कॉम्पिटिशन्स में जाना होता है। लेकिन हमें उस कॉम्पिटिशन के लिए पहले तैयार होना है, वो उसी उस तैयार होने के लिए हमें वही इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन वो इक्विपमेंट वो हमें प्रोवाइड करते नहीं है, वो हमें खाली प्रोवाइड। क्योंकि वक्त की तंगी है, तो क्या वे प्लान है आपके, जो फ्यूचर प्लान है आपके इंस्टीट्यूट के हवाले से? हामिद साहब देखो, जो विंटर स्पोर्ट्स हैं, जहाँ स्कीइंग है, ये सिर्फ ओलंपिक इवेंट नहीं है, एक बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी एक्टिविटी भी है, रोजगार के मसाइल, रोजगार के मसाइल। और आज के जमाने में बच्चों को घर से बाहर निकालना, जबकि उनको डिजिटल एडिक्शन हो रखी है, वो फोन से उनको टाइम ही नहीं मिलता, तो वो बच्चों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं, और बच्चों को एक आउटडोर एक्सपोजर दे के, उनको एक चैलेंज दे के, उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि उनमें कितना पोटेंशियल है, और हम जो है उनकी पर्सनैलिटी जो है वो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो कि एक स्कूलों में जहाँ बैठे हुए वो डिजिटल एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, और बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की जाए, ताकि एक हेल्थी यूथ एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकें। और जहाँ तक स्कीइंग का और आगे फ्यूचर का सवाल है, मैं तो यही बोलूँगा कि जब वेयर देर इज अ विल देर इज एवरीथिंग, तो सबको, अथॉरिटीज को, स्पोर्ट्स मैन को, कोचेज को, और जो हमारे जैसे आदमी जो इस स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, उनको मिलके एक कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाना चाहिए, ताकि बच्चों की रिक्वायरमेंट एनालाइज कर सकें और उसको हम पूरा कर सकें। सभी हम जिस तरह लड़के आ रहे हैं स्कीइंग में आगे जी, उस तादाद में लड़कियां सामने नहीं आती है, तो आप उनको कुछ तरगीब देना चाहती है? या मैं ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप सपने देख रहे हैं और फिर उनको पूरा नहीं कर रहे, इसका मतलब आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम्स के लिए लड़ नहीं रहे हैं। अगर आप कोई ड्रीम आपके पास है, कोई ड्रीम, तो आप उसको परस्यू करने में जी जान नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में हार रहे हैं। इसलिए आप एक काम करिए, आप ड्रीम देखिए, और उसको पाने के लिए आपको खुद लड़ना है, कोई और नहीं आएगा लड़ने आपके, आपको ड्रीम हासिल करने में। सो इस सपोर्ट में आने के लिए आप आइए, हम हैं वहाँ हेल्प करने के लिए। अब अगर आप यहीं पहले से ही सोचेंगे कि ये स्पोर्ट जो है एक्सपेंसिव है, इसमें नहीं जा सकते हैं आगे, तो ऐसा नहीं है। मतलब फिर रास्ते खुल जाते हैं, जब आप पैशनेट होते हैं, डिटरमिंड होते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। साहब, नॉर्थ इंडिया खास तौर पे सूटेबल है स्कीइंग के लिए, तो जारी बात है इतना बड़ा मुल्क है, इतना वसी मुल्क है, तो कैसे उनको आप मोटिवेट करेंगे कि वो भी जल्द से जल्द इस स्कीइंग में आ जाए? एक तो आपके जरिए, आपके इंस्टीट्यूट के जरिए से जरूर हो सकता, थोड़ा एक इख्तिसार से। हमें सर देखो, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, स्कीइंग है, इसकी अहमियत तो हमको सबको मालूम है कि इसकी बहुत बड़ी अहमियत है बच्चों की पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म करने के लिए और उनको अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए। और आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट इतनी अवेयरनेस है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना बच्चे आना चाहते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए। पूरे मुल्क में 4-5 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट नहीं है,
जबकि 140 करोड़ की आबादी जो है उसके लिए 4 इंस्टीट्यूट 5 इंस्टीट्यूट तो बहुत कम है। थोड़ी गुंजाइश थी और बात करने की, इंशाल्लाह ताला फिर आपको यहाँ दावत देंगे, फिर आपसे बात होगी। आप हमारे स्टूडियोज में ऐसे भी, आपका भी डलन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगली बार फिर एक नए मौजू को लेकर आपके खिदमत में हम फिर हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ व नासिर।